बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हेलो माय फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़, आई होप आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम सब भी खैरियत से हैं। और हमारे पास है ये सैटरडे और संडे का डे जो कि हम आपसे शेयर कर रहे हैं। सैटरडे को हमने यहाँ पे बनाया था छोले भटूरे, जिसके लिए हमने यहाँ पे सारी चीज़ें प्रिपेयर की हुई हैं। इंशाल्लाह आपको इसकी रेसिपी नेक्स्ट वीडियो में मिलेगी। तो हमने यहाँ पर अच्छा सा ब्रेकफास्ट किया और लंच भी किया अच्छा से। ये लंच में मेन हमारे पास था, ब्रेकफास्ट में बच्चों को चाहिए था अच्छा सा ब्रेकफास्ट, क्योंकि मदर्स डे का डे था तो हमने बच्चों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया। बच्चों ने सुबह सुबह आके पहले हमें अच्छा से विश किया, और बच्चों की ये विश जो थी, हमें इस तरह से आके अच्छा से विश करना, ये मेरे लिए बहुत ही सेटिस्फाइड होता है। सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है ना बच्चों से, जो बच्चे आके आपको हक करते हैं, अच्छा से विश करते हैं, तो यही मेरे लिए गिफ्ट होता है। और यही मेरी उनसे हमेशा रिक्वेस्ट होती है, यही उनसे हमेशा मेरी ये कोशिश होती है कि बच्चे हमेशा अच्छा बिहेव करें, और यही उनसे मेरी प्रॉमिस होती है। हर किसी भी ओकेजन पे हमसे एक यही प्रॉमिस लेते हैं कि बस अच्छा से बिहेव करो, अच्छे और नाइस पर्सन बनो, ज़िंदगी में कुछ भी करो सोच समझ के सही करो, तो यही हम उनसे प्रॉमिस लेते हैं। तो इस तरह से बस बच्चों ने हमें अच्छा से विश किया, और उसके बाद फिर हमने बच्चों के लिए अच्छा सा ब्रेकफास्ट बनाया, पैनकेक और साथ में मफिन बनाए थे, जिसे हमने पैक करके बस हम निकल आए घर से बाहर थोड़ा आउटिंग के लिए। शाम में ये डे टाइम में हम घर पे ही थे, रेस्ट किया, थोड़ा सा वेदर गर्म था, तो इवनिंग में ये आ गए बकीज़ पे। बकीज़ जो है ये अमेरिका के साउथ में, नॉर्थ अमेरिका के साउथ में ही इसकी जो ब्रांचेज़ हैं, अभी ये ज़्यादा हो रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, इसकी बहुत सारी ब्रांचेज़ है। और ये जो पेट्रोल पम्प मेन जो है वो गैस, ये जो स्टोर है ये वो चीप होता है, और जो भी लोग जैसे ट्रैवल कर रहे हैं तो उनके लिए ये बड़ा कन्वीनियंट होता है। यहाँ पे आपको स्नैकिंग और कुछ भी खाने पीने की थोड़ी बहुत चीज़ें और कुछ कप्स हैं और इस तरह की चीज़ें मिलती हैं इनकी अपनी ब्रांड की, तो बड़ी अच्छी लगती है, ये हर किसी को बहुत अट्रैक्ट करता है। और यहाँ पर 100 से ज़्यादा पम्प्स एक साथ होते हैं कि जिसमें आप एक साथ यहाँ पर अपने कार में फ्यूल फिलअप कर सकते हैं। ये ट्रक्स के लिए नहीं, यहाँ पे ट्रक्स को अलाउ नहीं होता ये, क्योंकि ये जो डिज़ाइन किया हुआ है बकीज़ का जो है वो कार या छोटे इस तरह के जो वैनिटी होते हैं उसके लिए है, ट्रक्स के लिए यहाँ पे परमिशन नहीं है। तो बस ये इसके लिए ही था। तो यहाँ पे हमने अच्छा से थोड़ा सा आके इवनिंग टाइम में हम थोड़ा सा बाहर आए और हमने इंजॉय किया इवनिंग को बच्चों के साथ, क्योंकि कार में ही बच्चों ने बैठ के यहाँ पे अपना पॉपकॉर्न और मफिन हम लोगों ने खा लिया, क्योंकि ड्राइव हो ही जा रही थी, ड्राइव रुक ही नहीं रही थी, तो बच्चों ने कार में ही खाया। फिर वापसी में हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा ले लिया, और पिज़्ज़ा लेके हम वापस घर आ गए। घर आके फिर ये रास्ते में देखें कितना खूबसूरत ये व्यू है, ये तो हम हमेशा ही देखना और कैप्चर करना चाहते हैं, तो आपके साथ भी ये शेयर कर रहे हैं, ये बहुत ही खूबसूरत लगता है ये व्यू। तो इस तरह से हमने वापसी अपने घर की तरफ आ गए, और हमारा बहुत ही अच्छा सा ये दिन रहा। ज़रूरी नहीं है कि हमारे मदर्स डे हो या कोई भी ओकेशन हो तो हम बच्चों से ये एक्सपेक्ट करें कि वो हमें गिफ्ट दें या फिर बहुत ज़्यादा कुछ स्पेशल करें। ज़्यादा ज़रूरी मेरे लिए ये है कि बच्चे इन फीलिंग्स को, इनकी इम्पोर्टेंस को समझें, अपने पेरेंट्स को रेस्पेक्ट करें, मेरे लिए ये ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम बच्चों को हमेशा हर ओकेशन पे यही बोलते हैं कि हमें कोई गिफ्ट नहीं चाहिए, बस आप अच्छा से बिहेव करो, और अपने आप से हमसे ये प्रॉमिस करो कि हमेशा एक अच्छे इंसान की तरह और एक अच्छा हमेशा हमें प्राउड फील कराओ, बस। तो बस यही हमारी उनसे एक विश होती है, और यही हमारा गिफ्ट और हमारा प्रॉमिस होता है बच्चों के साथ। तो इसी तरह बच्चे भी अब ये समझ गए हैं। किंजा और नुहा तो अभी छोटे हैं, पर जैन से हमेशा ये हम प्रॉमिस लेते हैं, और वो माशाल्लाह इसको पूरा भी करता है। बच्चा जब इस एज में हो तो उसे किन चीज़ों की वैल्यूज़ देनी है वो हमें ही समझना होता है। तो बस हम इसी तरह अपने बच्चे को इसी तरह ट्रीट कर रहे हैं, इसी तरह उसे गाइडेंस कर रहे हैं, यही उसके लिए तरबियत है, और यही उसके लिए बहुत ही, मेरे लिए बहुत ही अहमियत रखती है ये चीज़ें। तो बस इस तरह से हमने अच्छा सा दिन गुजारा बच्चों के साथ, उनके साथ अच्छा सा टाइम स्पेंड किया, बजाय कि कहीं हम किसी रेस्टोरेंट में जाके डिनर करें, हमने घर में ही आके पिज़्ज़ा इन्जॉय किया, बच्चों के साथ अच्छा सा हमारा दिन गुजरा, और बस बच्चे इसी में खुश भी हो जाते हैं। जैसी चीज़ें, जैसी वैल्यूज़ हम बच्चों को देंगे, बच्चे उसी तरह से उसको लर्न करेंगे, और आगे भी वही चीज़ें कंटिन्यू होती जाएंगी। तो बस यही था हमारी छोटी सी शेयरिंग आपके, आई होप आप लोग मेरी इस बात से एग्री करेंगे। तो इंशाल्लाह मिलते हैं फिर किसी और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग रखें अपना ख्याल, हमें रखें दुआ में याद। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।